कि पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पाया गया ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और भ्रामक खबर है। जिस महिला की फोटो उसमें लगा करके ट्वीट किया गया था वो भी लगभग दो साल पहले की एक इंसिडेंट है जिसमें रेलवे एक्सीडेंट हुआ था कानपुर का, वो उस एक्सीडेंट की फ़ोटो को वहाँ लगा करके उसे एक रेप विक्टिम के रूप में वहाँ प्रेजेंट किया गया। तो प्रथम दृष्टया ये बहुत गंभीर प्रकरण है जिसको देखते हुए इसमें तत्परता से जनपदीय पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया।